बस्तर के अंदरूनी इलाकों में आदिवासियों की स्थिति क्या होती है, इस पे मैं लगातार सोच रहा हूँ कि सवाल उठाया जाए और वो लोग जो शहरों में बैठकर बस्तर के अंदरूनी इलाकों के आदिवासियों पे आरोप लगाते हैं कि बस्तर के आदिवासी अक्सर माओवादियों का समर्थन करते हैं, तो उनकी स्थिति को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल रविवार की देर रात सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीरावट्टी करके कोई गांव है, इसी तरह का कुछ नाम है, वहाँ मड़कम हंदा नामक एक युवक को देर रात 5 से 6 की संख्या माओवादी घर में घुसे और घर में घुसकर उन्होंने पहले उस ग्रामीण के साथ में मारपीट की और मारपीट करने के बाद उनके परिवार वालों के सामने ही मड़कम हंदा की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। इस दौरान माओवादियों ने जब उस ग्रामीण के साथ मारपीट की जा रही थी तो कहा कि तुम्हें कई बार समझाया गया था कि तुम पुलिस के लिए मुखबिरी का काम मत करो, लेकिन तुमने इस बात को माना नहीं और यही वजह है कि माओवादी संगठन ने तुम्हारे लिए मौत का फरमान जारी किया है और वही सजा देने के लिए माओवादी संगठन के कुछ सदस्य उसके गांव पहुंचे हुए थे। निर्मम हत्या की गई और इस हत्या से न केवल मड़कम हंदा की मौत हुई, इस हत्या से उसके आसपास के इलाकों में उसके गांव के रहने वाले अन्य लोगों के मन में जो हिम्मत अगर बढ़ रही थी माओवादियों के खिलाफ, उसकी भी हत्या हुई है। अब ऐसे में शहर में बैठे लोग कई दफ़े मैं देखता हूं, मेरे चैनल में भी कमेंट करते हैं कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों के आदिवासी लगातार जो है वो ही माओवादियों का समर्थन करते हैं, इसी वजह से पुल नहीं बन पाता। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि जो लोग माओवादियों का समर्थन करते हैं तो आज उनके लिए सुविधा के लिए पुल नहीं तैयार हो पा रही है और यही वजह है कि आज उन्हें इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मेरे मन में विचार आया कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में रहने वाले आदिवासी करे तो क्या करे, इधर कुआं है तो उधर खाई है। अब आप सोचिए कि 2017 में बुरकापाल गांव में CRPF 74 बटालियन के जवान जब सड़क को सुरक्षा देने निकले थे तो उन पर माओवादियों ने एक बड़ा अटैक किया जिसमें 25 जवान शहीद हो गए। अब इस मामले में आनन फानन में पुलिस ने 121 लोगों की गिरफ्तारी की गई 6 गाँव से और 5 साल तक उन्हें जेल में रखा गया और जेल में रखने के बाद NIA कोर्ट ने उन्हें सबूत के अभाव में दोष मुक्त करार दिया है। अब उस 121 गांव वालों में से 7 तो नाबालिग थे और एक की मौत जेल में हो गई और बचे 113 लोग जो 5 साल जेल में बिताकर वापस निकले, उनसे भी बातचीत की थी मैंने, आपने पुराने वीडियो में देखा होगा। कई लोगों का ये भी कहना था कि ये सारे माओवादियों के समर्थक हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में रहने वाला आदिवासी अगर माओवादियों की खिलाफत करता है तो उसका अंजाम मड़कम हंदा जैसा होता है। माओवादियों ने मौके पर एक पर्चा भी फेंका है, यह पर्चा किस्टारम एरिया कमेटी के द्वारा जारी किया गया है जिसमें साफ इस बात का उल्लेख है कि 5 से 7 बार मड़कम हंदा को समझाइश दी गई थी कि वो पुलिस की मुखबिरी ना करे, संगठन के खिलाफ काम ना करे, लेकिन उसमें कोई सुधार ना आता देख उसके खिलाफ मौत का फरमान जारी किया गया है। अब आपसे एक सवाल है, आप उन लोगों से ये सवाल है जो लोग लगातार बोलते हैं कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में आदिवासी माओवादियों का समर्थन करते हैं, मौत किसे पसंद है? मौत तो मुझे लगता है किसी को पसंद नहीं, मरना कोई नहीं चाहता, चाहे वो बेकसूर आदिवासी हो या माओवादी हो, वो भी मरना नहीं चाहते, वो भी आखिरी दम तक सोचते हैं कि खुद को बचा लें, जवान भी सोचते हैं कि उनकी गोली से माओवादी मारे जाएँ लेकिन उनकी जान बच जाए। तो ऐसे में वो ग्रामीण जो उस इलाके में पैदा हुए हैं उनकी क्या गलती है? क्या यही गलती है कि वो उस इलाके में पैदा हुए और अगर वो उस इलाके में पैदा होने के बाद माओवादियों की खिलाफत करते हैं तो उनकी जान की रक्षा करने की गारंटी कौन लेता है? हालांकि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में कई सुरक्षा बल के कैंप इस्टेब्लिश किए गए हैं और भी नए कैंप इस्टेब्लिश किए भी जा रहे हैं, लेकिन क्या ये कैंप उन ग्रामीणों की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं? अगर ये ग्रामीणों की सुरक्षा की गारंटी लेंगे तो मुझे लगता है कि ग्रामीण माओवादियों की खिलाफत कर सकते हैं। बीते दिन मैं मिनपा गांव में रुका हुआ था और मिनपा गांव में जब मैं रुका हुआ था तो मैं वहां दोपहर से घूम रहा था, उस पर भी मैंने एक वीडियो तैयार किया है कि किस तरह से पूरे दिन भर मैं गांव में घूमता रहा और मुझे कोई भी वहां पर माओवादी नज़र नहीं आया था, और लेकिन शाम 6:45 पर कैंप पर लगातार माओवादियों के द्वारा फायरिंग की गई जिसमें जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की, UVGL भी दागे गए और उस दौरान गांव के ग्रामीण काफ़ी डरे हुए थे और उनका कहना था कि कल सुबह फोर्स आएगी अगर तो उनसे पूछताछ करेगी कि तुमने किसी को देखा
और जवाब वही होगा जो मेरा होता कि हमने किसी को नहीं देखा और इसके बाद फोर्स उनके साथ मारपीट कर सकती है। अमूमन बस्तर के अधिकतर इलाकों में इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं कि फोर्स जवानों के ग्रामीणों के साथ मारपीट करती है। अगर ग्रामीणों की स्थिति ऐसी है तो आप ही बताइए कि ग्रामीण क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि कुआं और खाई दोनों की स्थिति है, बीच में फंसे हैं आदिवासी भाई। अगर आपको लगे ये मुद्दा वाकई में काफ़ी गंभीर है, इस मुद्दे पर एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए, उन आदिवासियों की स्थिति को समझना होगा, उनकी स्थिति के सुधार के लिए कुछ करना होगा, तो आप भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।